वेलकम बैक। अगले सवाल में अपन लोग से पूछा है कि भाई स्टेशनरी वेव जो होती है, स्टेशनरी वेव कैसे बनती है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है यार, आप बनाते कैसे? तो ये बनाने के लिए आपको पता है बहुत सारी अंग्रेजी मुझसे बोली नहीं जाती, मैं लिख लेता हूँ बस। बात ये भाई, स्टेशनरी वेव तब बनती है जब दो वेव जिनकी स्पीड बराबर हो लेकिन एक दूसरे के अपोजिट जा रही हो, ऐसे करके, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी बराबर होनी चाहिए, टाइम पीरियड जो कुछ भी है, मतलब ये अक्सर उस वक्त होता है जब वेव अपने ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब आपने यहाँ से लॉन्च की और वही वेव रिफ्लेक्ट होकर जब आ गई, सुपर इम्पोज जब हुए तो स्टेशनरी वेव बनती है ना, ये आपको पता है यार, थ्योरी है, सब जानते हो आप लोग। तो ये बात करनी है आपको कि सारी चीजें सेम हो और बस डायरेक्शन अपोजिट हो और सुपर इम्पोज हो जावे तो फिर क्या होता है, म्यूजिक होता है यार। पैरा लवली नहीं लगा रहा हूँ भाई, नहीं स्टेशनरी वेव बनती है यार। अच्छा भाई, फेज डिफरेंस बता रहे हैं, दो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है स्टेशनरी वेव में नोड नोड के बीच में, मतलब ये है एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा, तो नोड नोड के बीच में यानी एक लूप की बात हो रही है, तो एक लूप में तो फेज डिफरेंस सिफर होता है ना, पॉइंट कोई सा भी हो, ये हो ये हो ये 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 कोई सा भी आप पॉइंट ले लो, सारे के सारे एक साथ ऊपर जाते, एक साथ नीचे आते, एक साथ और नीचे आते, और इस तरीके से चलता रहता है, मतलब ये कि फेज डिफरेंस दोनों के बीच में सिफर का होता है। अगला पार्ट, मोटरसाइकिल 13 मीटर पर सेकंड की हिसाब से एक रोड पे जा रही है, ठीक है, मोटरसाइकिल वाले को प्रदूषण नजर आया और उसने यहाँ से हॉर्न बजाया कि भाई हट मेरे रास्ते से, ये बेचारा जो है रो रहा है यार, आंसू निकल रहे हैं इसके। इस लड़के को जो सुनाई दे रहा है वो 543 हर्ट्ज है, यानी ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर सुनने वाला, उसको कितना सुनाई दे रहा है, 543, और फोर्स की फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, तो क्या लगेगा, सीधा सीधा डोपलर इफेक्ट लगेगा। और हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये जो फोर्स है, इसका जो हॉर्न है और सुनने वाला, इन दोनों के बीच का फासला जो है वो कम होता जा रहा है ना, एक दूसरे के ये करीब होते जा रहे हैं, बल्कि फोर्स जो है वो ऑब्जर्वर के करीब होती जा रही है, जिसका मतलब ये है कि आपका जो फार्मूला है ना, जिसमें क्या आता है, ये मैं आपको शीट में भी दिखा दूं, आ जाओ। अच्छा जी, डोपलर इफेक्ट का ये रहा फॉर्मूला, नीचे प्लस कब आता है, माइनस कब आता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जो फासला है वो कम होता जा रहा हो, तो क्या होता है, तब क्या होता है, साउंड आपको बढ़ता हुआ सुनाई देता है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, मतलब ये कि ये जो फ्रैक्शन है सोर्स का जो आपको सुनाई दे रहा है, ये फ्रैक्शन बढ़ना चाहिए, जिसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ना वो छोटा होना चाहिए, तो वो छोटा कब होगा, जब यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, नहीं समझे, थ्योरी इसकी पढ़ोगे आपको याद आ जाएगा यार, आपने पढ़ा हुआ ये सब, नई बात नहीं है कोई। तो ये हो गया 334 जो कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर थी, आपने पढ़ लिया होगा सवाल, अगर नहीं पढ़ा पीछे जाओ पॉज करके पढ़ लो और दोबारा चला लो वीडियो, ये भी तो कर सकते हो ना, सहूलत से पढ़ो यार। 543 जो आपको सुनाई दे रहा है वो सोर्स का इतना फ्रैक्शन है, कितना, इतना, यानी सोर्स की फ्रीक्वेंसी आ रही है 521.9 हर्ट्ज़, जिसको आप लिख सकते हो 522, क्योंकि यहाँ पे 3SF 3SF 2SF दिया हुआ है, मतलब 3 या 4 SF में आप लिख सकते हो। बस ये याद रखो कि ये जो फ्रैक्शन है ये बढ़ेगा कब और कम कब होगा, और उस हिसाब से नीचे का साइन आप फैसला करते हो कौन सा इस्तेमाल करो। अच्छा भाई, अभी जो ये राइडर है ना, राइडर ये इसके पास से गुजर चुका है और अब उनसे दूर जा रहा है। अच्छा, अभी जब दूर जा रहा है तो दोबारा इसने हॉर्न बजाया और अब जो सुनने वाला है वो कह रहा है यार ये तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, मुझे ज्यादा सुनाई दे रहा है, मतलब ये कि इसकी जो वेलोसिटी है, फोर्स की जो स्पीड है, उसमें कोई चक्कर हुआ है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि प्लस वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि दोनों के बीच में फासला बढ़ता जा रहा है। फिर क्या हो रहा है कि ऑब्जर्वर जो देख रहा है उसको ज्यादा बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ना आपका, ये कम होता जा रहा है। ये कम कब होगा, जब ये Vs आपका कम होता जाएगा, तो इन दोनों को जमा करके ज्यादा होता जाएगा ना, सही है। तो ये यहाँ पे हो रहा है और इसका मतलब ये है कि जो मोटरसाइकिल की स्पीड है वो कम होती जा रही है, नहीं समझे। फिर अगले पार्ट पे, अच्छा भाई, ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे पोलराइजेशन लगा लिया इन्होंने, यानी यहाँ पे पोलराइजेशन का सवाल है जो इन लोग ने इस साल सिलेबस में बढ़ाया है, तो ये तो आना ही था, ऑफ कोर्स। तो भाई वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से जब लाइट गुजारते हैं ना, तो पोलराइजिंग फिल्टर जो है वो 20 डिग्री पे है, मतलब ये आपका वर्टिकल है, तो 20 डिग्री पे पोलराइजिंग फिल्टर को आपने टेढ़ा करके रखा है, सही है, और उससे आपको इंटेंसिटी मिल रही है, ठीक है। इंसिडेंट वाली जो लाइट है, मतलब जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट आ रही है ये आईनोड की इंटेंसिटी से, और जो जा रही है वो आईटी यानी ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेड वाली इंटेंसिटी है। अब ये कह रहे हैं इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का तो आपको पता है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, जिसका मतलब ये कि अगर मुझे रेशियो लेना होगा तो रेशियो कैसे हो जाएगा कि अगर एम्पलीट्यूड का रेशियो लेता हूं तो वो इंटेंसिटी का अंडर रूट हो जाएगा, सही है। आप चाहो तो इसमें स्टेप बढ़ा लो, ये स्क्वायर होगा, इसी स्क्वायर को मैंने हटाया है बस,
तो ये IT ओवर आई नोड बन जाएगा मेरे पास। और अगर मैं इंटेंसिटी डालूं, अब IT ओवर आई नोड क्या है, आप जानते हो कि जो मिरर था ना, जो पोलराइजेशन के लिए था, वो ये बोलता है कि जो आपको ट्रांसमिट हुई इंटेंसिटी मिलती है, मतलब जो आपको मिलने वाली इंटेंसिटी है वो ओरिजिनल इंटेंसिटी का cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसको अगर मैं नीचे ले आऊं तो ये रेशियो बन जाएगा ना, जिसका मतलब ये AT ओवर A नोट जो है वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट cos स्क्वायर, और थीटा क्या है, थीटा आपको 20 दिया हुआ है, तो आप ये 20 इसमें डालोगे और आपके पास ये आ जाएगा 0.939, जिसको आप 0.94 भी लिख सकते हो, और ये आपका जवाब हो गया। अभी तीन नंबर किस चीज के, एक नंबर इस रिश्ते का, एक नंबर ये सब्स्टिट्यूट करने का, और एक नंबर आपको मिल जाएगा जवाब देने का। अगले पार्ट पे आते हैं। तो अब ये कह रहे जो फिल्टर है ना आपके पास, उसको आपने ऐसे घुमा दिया, और इन्होंने आपको बताया कि भाई जो एंगल है ना, ये एंगल जो है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब 20 डिग्री से ज्यादा होगा। आप जो इसको घुमा रहे हो तो ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हो घड़ी की डायरेक्शन में। वो ये कह रहे हैं कि भाई इस फिल्टर को कितना घुमावे कि हमें वही इंटेंसिटी मिले जिस इंटेंसिटी पे हमने पहले कैलकुलेशन की है। ये जो आपका फिल्टर है ना, फिल्टर का एक्सेस पहले ये था, वर्टिकल आपका ये है, एक्सेस ये था। वो ये कह रहे हैं कि आप इसको एक्सेस को घुमा रहे हो, आपको कितना घुमाना पड़ेगा कि उसी का उलट आपको मिल जाए। तो पहली नजर में तो आपको होगा कि आपको 180 डिग्री पे घुमाना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान करो, आपको 180 पे नहीं घुमाना है, 20 तो यहाँ पे ऑलरेडी हुआ है, 20 के बाद फिर बढ़ेगा ना, 20 के बाद जब बढ़ता जाएगा यहाँ तक, और उसके बाद फिर 20 और ऐसे आगे जाना होगा, मतलब ये 20 वहां और 20 यहाँ छोड़े तो कितना बचा, 140 डिग्री बचा ना। यानी इस एंगल से जब आप घुमाना शुरू करोगे तो पूरा आप 140 जब घुमा लोगे तो आप डायरेक्ट यहीं पे आ जाओगे जहां 20 डिग्री है। तो ये जवाब है 140, अपने हाथ से लिख के बता रहा हूं, साइड पे भी हो जाओ। चले फिर अगले सवाल पे। ये बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस वायर लगाया हुआ है यहाँ पे, और आगे आपको सवाल करना है। तो पहले बात तो ये कि आप जो रेजिस्टेंस वायर है इसको आप रेजिस्टेंस ही बना लो ना, काम तो वही कर रही है। और फिर इसमें वो क्या रहे कि यहाँ पे पावर डिफ्यूज हो रही है, मतलब ये गर्म हो रहा है और हीट निकल रही है, इससे तो पावर मतलब लूज हो रही है, जा रही है, जाया हो रही है यार, बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। पावर किसके बराबर होती है, वोल्टेज और करंट की जरूरत दो तो, और आई क्या हो जाएगा, पी ओवर वी हो जाएगा। तो आप पी ओवर वी कर दो, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया, 36/8 4.5 एम्पियर आ रहे हैं उस्ताद। फिर आपसे पूछा भाई कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सब में, जरा ये तो बताओ आप। तो आप क्या करोगे भाई, आपको ये बताए कि ये जो चार्ज टोटल है, करंट आपके पास है और आपको टाइम भी दिया हुआ है, आपको पता है कि टोटल चार्ज कितना होता है, Q is equal to IT, तो आप डाल दो 4.5 ज़रब टाइम जो कि 50 सेकंड, और ये आप करते हो तो टोटल आपके पास 225 कूलम जा रहे हैं। अब 225 कूलम है, 225 इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे, याद रखना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आप क्या करोगे, जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है आप इस टोटल चार्ज को डिवाइड कर दो, ये लो n = q over a लिख दिया मैंने, थोड़े से अच्छे अच्छे अल्फाज में लिखा है तो आप लोग को ज्यादा मजा भी आवे ना। और फिर यहाँ पे कर दो 225 और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 - 19, और ये आपके पास आ गए टोटल 1.4 - 21, मतलब इतने सारे आपके पास चार्जेस हैं जिनकी मदद से आपके पास 225 कूलम आ रहा है, ये ज्यादा बेहतर है। सॉरी छुपा दिया मैंने, हमेशा ही करता हूं यार, मैं यहां से हट जा रहा हूँ भाई, मैं हट जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अभी आपको निकाली रेजिस्टेंस, तो अब बचा गया है भाई, आपको पता है पावर बराबर होती है V2/R के, R अपन लोग को निकालना है, पावर हमें मालूम है, वोल्टेज हमें मालूम है, तो सीधा सीधा R = V2/P लिख के, और मैं सब्स्टिट्यूट जब करता हूँ तो मेरे पास 1.8 ओम आ रहा है। आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और तरीका हो सकता है, आप उस तरीके से कर लो, कोई मसला नहीं है। मैं वो वाली वैल्यू यूज करता हूँ जो मुझे सवाल में दी हुई हो, ताकि गलती कम से कम हो ना, मसला नहीं है। मैंने करंट ही गलत निकाला हो और उसको मैं आगे इस्तेमाल कर लूं, अच्छा नहीं लगता है ना यार। क्यों, आ जाओ भाई अगले सवाल पे। ये जो वायर है ना, इसका जो मेटल है, इसकी जो है वो है 1.4 - -6 ओम मीटर, और आपको एरिया भी बताया हुआ है कि वायर कितना मोटा है कितना। अभी आपको लेंथ निकालनी है, रेजिस्टेंस आपको मालूम है और आपको रेजिस्टिविटी भी मालूम है, मशहूर हमारा फार्मूला है, बचपन से याद है मुझे, R = ρ L/A, ओ लेवल में याद किया था। अच्छा, और इसमें एरिया दिया हुआ है, ये मिलीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, इसको मीटर स्क्वायर में कैसे करें, आसान तरीका बताऊं, नंबर वैसे का वैसे ही लिखो आप 0.25। ये जो मिली है ना, मिली कितना होता है, 10^-3, इसको सीधा सीधा स्क्वायर कर दो बस। इसी तरह अगर ये क्यूब होता तो आप क्या करते, इसको क्यूब कर देते, जो मिली है ना उसको बढ़ा दो, किलो है जो कुछ भी साथ में लगा हुआ है ना, ये 10^10, इसको भी आप उतनी पावर पे चढ़ा दो, आपके पास जवाब आ जाएगा। तो ये हो गया, आपने फार्मूले को जब आगे पीछे किया, लेंथ आपको निकालनी है, जब आपने एरिया
रेजिस्टेंस जो हमने पिछले वाले में निकाली थी पिछले पार्ट में, और यहाँ पे दी हुई है, तो फिर आपके पास लेंथ आ जाती है 0.32 मीटर, 32 सेंटीमीटर है। अच्छा भाई, इस सवाल में क्या किया है, दोबारा कह दूं, आप पोज करके पूरी वीडियो पढ़ लो यार, मुझे कोई इसमें मसला नहीं है, इतराज नहीं है। तो ये देखो आप कि भाई क्या करते हैं, यहाँ पे ओरिजिनल जो वायर थी ना उसकी जगह अपन लोग लगा थी दूसरी वायर का डायमीटर जो है डायमीटर जो है वो बढ़ाए, और उसके अलावा सब कुछ एक जैसा है भाई, कुछ नहीं बदला। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अब रेजिस्टेंस के हवाले से बोलो और समझाओ कि जो पावर है, जो दूसरी वायर की पावर है वो कम होगी ज्यादा होगी सेम रहेगी, क्या होगा उससे? तो अभी देखो आपकी अंग्रेजी का इम्तिहान है कि आप इसको कैसे कहते हो। सीधा सीधा देखो आप इसका फार्मूला पकड़ो और फार्मूले के हिसाब से आप जवाब दो। आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, आपको पता है रो एल ओवर ए। अब एरिया जो है, क्योंकि वायर जो है वो एक सिलेंडर है ना, सिलेंडर, तो इसका एरिया जो है वो सर्कल होता है, यानी पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल का जो डायमीटर है वो तो 2r होता है ना, दो रेडियस के बराबर होता है, उसको आप यहाँ पर डाल दोगे तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4, और फिर ये पूरा फार्मूला बन जाएगा आर इज इक्वल टू 4 रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर। इतनी तो मेथ आती है ना यार, इतना तो कर लो यार, कुछ इंसाफ करो। खैर, मतलब ये डायमीटर जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, पहली बात, और रेजिस्टेंस अगर कम है तो करंट बढ़ेगा, और पावर जो है आप जानते हो वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट होता है, और वोल्टेज जो है वो दोनों सूत्रों में बराबर है, जिसका मतलब ये कि जो पावर है ना, पावर ज्यादा जाएगी ज्यादा, क्योंकि करंट ज्यादा बढ़ गया। समझ में आई बात? तो एक नंबर आपको ये बताने का है कि रेजिस्टेंस से डायमीटर का क्या ताल्लुक है, और उसके बाद फिर होता क्या है, स्टेट ये किया है और एक्सप्लेन ये किया है, दो नंबर हो गए। आगे चलो अगले पार्ट पे आते हैं। अभी क्या किया इन्होंने, वही जो सर्किट है उसने एक बैटरी और ज्यादा बढ़ा दी। अब इससे हुआ क्या, ये थोड़ा सा आप सोचो भाई, ये 8 वोल्ट है, यानी यहाँ पे वोल्टेज अगर प्लस 8 है तो यहाँ पे 0 है, और अगर इस वाली बैटरी को देखो इसका भी ये बराबर है, यानी यहाँ भी प्लस 8 है और यहाँ पे 0 है, जिसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी वही प्लस 8 रहेगा और यहाँ भी 0 रहेगा। अगर ये आप सीरीज में लगा देते या बैटरियां उल्टी लगा देते तो फिर शायद कुछ हो जाता, लेकिन अभी जो है इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जब आप इस सवाल को पढ़ोगे तो इसमें इन्होंने बोला है कि भाई करंट के हवाले से आप बताओ और समझाओ कि भाई ये दूसरी बैटरी जो लगाई है इसमें पावर बढ़ेगी कम होगी बराबर रहेगी क्या होगा। सोचो आप, वोल्टेज यहाँ पे नहीं बदला है, रेजिस्टेंस अगर वही है तो करंट भी जाहिर है वही रहेगा, जिसका मतलब ये है। और 8 वोल्ट आ कैसे रहा है कि क्योंकि हमने ये बैटरियां जो है ये पैरेलल में और सेम डायरेक्शन में लगाई है, तो मैंने अभी आपको बताया कि इनका मिला के भी जो ईएमएफ बन रहा है वो वही 8 वोल्ट ही बन रहा है, जिसका मतलब ये है कि वायर जिसकी रेजिस्टेंस भी बराबर है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब रेजिस्टेंस भी वही है, वोल्टेज भी वही है, तो क्या होगा, करंट भी वही जाएगा, जिसका मतलब ये कि पावर भी बराबर रहेगी। तो एक मार्क आपको ये बताने का है कि भाई ये जो वोल्टेज है वो नहीं बदल रहा है, और करंट भी वही रहेगा और रेजिस्टेंस भी वही रहेगी, और फिर आप बताओगे कि पावर बदलेगी या नहीं बदलेगी, और जवाब ये है कि ये नहीं बदलेगी। अगला और आखिरी सवाल है सवाल नंबर 7, जिसमें बताया कि सोडियम का न्यूक्लियस है, सोडियम 22 का, इसमें क्या है, बीटा प्लस पार्टिकल निकल रहा है, और जाहिर सी बात है कि अलग न्यूक्लियस बन रहा है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर से निकल रहा है। अच्छा ये याद रखना कि ये सारे काम न्यूक्लियस में हो रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ये शेल वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है, बीटा पार्टिकल इसीलिए कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन नहीं कहा जाता, या पॉजिट्रॉन भी है। अच्छा ये कह रहे हैं कि भाई बीटा प्लस अगर निकले तो उसके साथ क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ये थोड़ा सा रट्टे वाली चीज आपको लगेगी, और रट्टे के लिए बस मैं थोड़ी सी ही आपको दे सकता हूं। देखो भाई याद रखो कि अगर न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन या एंटी इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन अगर निकलते हैं तो उनके साथ न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। किस हिसाब से, कि अगर पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, और अगर एंटी पार्टिकल यानी पॉजिट्रॉन निकल रहा है जो कि दरअसल बीटा प्लस होता है, तो उसके साथ क्या निकलेगा, उसके साथ न्यूट्रिनो निकलेगा, जिसका मतलब है कि यहां पे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो यहां पे निकलेगा। अच्छा जी, अब आप बताओ न्यूक्लियर नंबर पोटोन नंबर जो न्यूक्लियस आपका आगे जाके बना है, तो अब आपके पास पीरियोडिक टेबल वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आपसे कोई ये तो नहीं पूछेगा कि क्या बना है इसके बाद, लेकिन आपको रिएक्शन तो पता है ना, सोडियम 22 है जिसमें से एक निकला है बीटा प्लस, जिसके अंदर ये प्लस 1 होता है, यानी हमारे पास, और ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो निकला है ना, इसका कोई मास चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं होता, तो हमारे पास जो ये एक्स बनता है इसका न्यूक्लियर नंबर तो वही रहा 22, और प्रोटॉन नंबर क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में बदल गया। अच्छा भाई, फिर ये बोल रहे हैं कि भाई कोर कॉम्पोजिशन को तो कुछ हुआ है, अब आपको पता है कि 3 कोर होते हैं, ठीक है, अप अप डाउन या अप डाउन डाउन ऐसे करके, और यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर पॉजिट्रॉन बाहर निकला है, बीटा प्लस अगर निकला तो इसका मतलब है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी प्रोटॉन जो होता है
है दो अप और एक डाउन, वो अब क्या हो गया, एक अप और दो डाउन। और ये रिएक्शन है जो आपने याद किया होगा। अब इसके अलावा तो मैं क्या ही बोलूं यार, और कुछ नहीं कह सकती अपन लोग। थ्योरी पढ़ो, थ्योरी रोजे तोड़ो रोजे। अच्छा फिर ये बोले बेरियों ने जिसमें फ्लेवर होते हैं, जैसे पिस्ता, बादाम, काजू, कैरेमल, टूटी फ्रूटी, स्ट्रॉबेरी, वनीला, उस टाइप का फ्लेवर नहीं है ये क्वार्क के फ्लेवर होते हैं, टाइपें होती हैं। ये बोले कि जो बेरियों ने जो सारे फ्लेवरों को मिला के बनाए वो टू ही है, मतलब के अगर तीन हमारे पास क्वार्क है और सेम फ्लेवर के हैं, जिसका मतलब ये कि बराबर बराबर चार्ज जो जमा हो गई माइनस टू ही बना रहे हैं। तो माइनस टू ही कैसे बनता है, आपको पता है कि जो क्वार्क होता है इस पे एक तिहाई चार्ज होता है, वन थर्ड होता है, टू थर्ड होता है, इस तरीके से होता है। तो अब क्योंकि ये बराबर है सारे के सारे, तो आप इसको कर लो भाई, थ्री एक्स ई इज इक्वल टू माइनस टू ई, तो ये हो जाएगा माइनस टू थर्ड ई, जिसका मतलब ये कि हर क्वार्क पे चार्ज है माइनस दो तिहाई ई। सही है। और अब आ जाओ आखिरी पार्ट पे, कौन सा हो सकता है ये। अब ये भी टेबल है जो पूरा आप लोगों ने याद किया होगा, मैंने यहाँ पे लगा भी दिया है, अब आप इसको देख लो, वीडियो पॉज करके देख लो, मैं आगे आपको लेकिन बता देता हूँ। तो भाई छह टाइप के टोटल क्वार्क होते हैं ना, तीन होते हैं अब चार मोटोप जिनका चार्ज होता है प्लस टू थर्ड ई, और होते हैं डोन, स्ट्रेन, बोडम, इनके चार्ज क्या होता है माइनस वन थर्ड। अब अपन लोग को ये तो नहीं चाहिए ना, दो तिहाई चाहिए लेकिन माइनस में चाहिए, जिसका मतलब ये कि इनके क्या हो गए, एंटी पार्टिकल हो गए, यानी या तो एंटी अप हो सकता है या एंटी चार्म या एंटी टॉप हो सकता है, इसके अलावा कोई और क्वार्क हो ही नहीं सकते। तो इस तरह मैंने आप लोग को करा दिया 2022 मार्च का पेपर, जो लेटेस्ट पेपर टू हमारे पास मौजूद था। और अब मैं अपनी वापसी फुल स्क्रीन में आ जाऊं। मेरे चैनल को आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, इस वीडियो को जितना फैला सकते हो फैला दो, किसी का भला हो जावे, कोई पास हो जावे यार अगर वीडियो को देख के, तो हमारा तो काम पूरा हो जाता है। फोकस लूज नहीं करना चाहिए, बस फोकस रहना चाहिए आदमी को। और आप लोग अगर मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग जाके मुझे वेबसाइट पे फॉलो करो, पेट्रियम पे आप पैसे वैसे दो, थोड़े से सपोर्ट करो ताकि ये काम जो और मुमकिन बनाया जा सके। दोस्तों को बताओ, घर वालों को बताओ, सब लोग को बताओ। और अभी पेपर वेपर बहुत हो गया, अभी मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊंगा, लेसन दोबारा शुरू करेंगे और लेसन चला चला के ना उसके बाद फिर नए आइडिया पे भी काम करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।